हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फाइनली देखिए, मेरे साथ रहने का असर, चेरी ने फाइनली मास्क पहना है। वरना आज तक आपने जितने व्लॉग से देखा होगा, मास्क नहीं पहना। मैंने इसको इतना सुनाया, फाइनली से मास्क पहन ली। सो फाइनली आज मैं और चेरी निकले हैं थोड़ा सा टहलने के लिए, बिकॉज आज है सैटरडे, मेरी भी छुट्टी, इसकी भी छुट्टी। एंड आज फाइनली मैं अपने स्कूल जाने वाली हूँ। और आई रियली डोंट नो स्कूल वाले अंदर घुसने देंगे कि नहीं। पहले तो हमें ये नहीं पता छुट्टी भी है कि नहीं है, ठीक है? तो छुट्टी हुई तो चलो कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन कर लेंगे। अगर स्कूल हुआ तो देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। और जहां मैं क्वार्टर्स में रहती थी वहां भी जाने का मेरा मन है। अगर गार्ड्स ने एंटर करने दिया तो वहां पे भी चलेंगे। तो आज थोड़ा सा मैं पटियाला घूमने वाली हूँ, जहां मैं रहा करती थी। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील कर रही हूँ, बिकॉज मैं स्कूल देखूंगी ना रियल सीरियसली, तो मतलब मेरे को बड़ा अजीब हो जाएगा। एंड आई रियली होप कि यार अंदर जाने दें और मतलब मैं क्लासेस देख पाऊँ अपनी। तो यस, दैट्स इट। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, और तो फिर चले हम लोग। सो ओके देन। और एज यूजुअल स्कूटी मैंने चलानी है आज भी। चेरी को कुछ आता नहीं, वो महारानी की तरह बैठेंगी और स्कूटी चलाऊंगी मैं। सो यस, आज आप मेरी नजरों से घूमिए पटियाला। We are on the way to our school. Yay! And see, I'm so excited. Yeah, it's like different feeling being in army cafeteria, right? It's मतलब एक अलग ही अलग ही कुछ लग रहा है, एहसास हो रहा है। Yes. अलग ही कोई घुस। So guys, I'm excited. So guys, we are finally at our destination. हम लोग पटियाला कैंट पहुंच गए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो फाइनली दिस इज द आर्मी एरिया एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन और कितना मेंटेन्ड है। ये देखिए, तारापुर इनक्लेव, गजराज कॉम्प्लेक्स। हम मतलब इधर ही अंदर रहते थे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बहुत घूमे हैं। सो दिस इज द आर्मी एरिया एंड वो रहा गेट जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया, और अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। अब मेरे को लिफ्ट मांगने का बड़ा मन है, इन सर से मांगू क्या? एक तो हमारे में हिम्मत भी नहीं है, हाथ दे सकते हैं वैसे। सो चेरी, आपको कैसा लग रहा है फाइनली मेरी वजह से आपको जाने को मिल रहा है स्कूल? Yes, क्योंकि कल आई एम आल्सो गोइंग टू सी माय स्कूल। Yeah, पर तूने स्कूल? Yes, our school. मतलब, और मैं स्कूल के लिए इतनी नॉस्टैल्जिक पता है क्यों? वैसे तो हर स्कूल के लिए आप नॉस्टैल्जिक होते हो, बट मैं इतनी नॉस्टैल्जिक इसलिए हूँ ना क्योंकि मेरा सॉर्ट ऑफ मैं एज अ बच्ची यहाँ पे एंटर हुई थी इन माई 5th class, ठीक है, छोटी सी। और मैं एज अ टीनेजर यहाँ से बाहर निकली, यू नो, 10th class के बाद 11th class में। सो मेरा बचपन यहाँ बीता है ना, मैं बड़ी हुई यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे को पता नहीं क्यों इस स्कूल से बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं मतलब सब सारा ग्रो होते हुए देखा है मैंने अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, सब कुछ ना। तो आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट दिस स्कूल। नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। सो फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है। एक सर बहुत काइंड थे, उन्होंने गाड़ी रोक दी और हमें लिफ्ट दे दी। सो फाइनली अब हम टाइम से पहुंच जाएंगे स्कूल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल, और मैं तो लिटरली पता है भूल चेरी, मैं भूल गई हूँ बाहर का। और मैं लिटरली पता है मैं सब कुछ sort of भूल गई हूँ यहाँ पे, मतलब आज बाहर का। अब मैं अंदर आ रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है चलिए ये गेट था यार। Yes. और पैदल यहाँ से बाहर भी आ गए। And do you remember that shop, समोसा? अरे हमने सुखी वगैरह में यही ट्रीट की थी यार। So guys see, ये बोर्ड है यहाँ पे, मेरी भी फोटो है, अब ध्यान से देखो जूम करके। और ये आर्मी क्वार्टर्स है सामने। हम पता क्या सोचते थे कि जो जो बच्चे यहाँ पे रहते होंगे कितने लगते होंगे ना, मतलब 5 से पहले निकलते हो। ओके, सिलेक्ट गो। तुम्हें आई जस्ट होप कि वो जाने देंगे ना वैसे। आई गेस So guys, this is our school. This is our army school. So finally, हम लोग अंदर जा रहे हैं। मेरे को बहुत आधा आधा याद है, बट ठीक है, let's go. चेरी, ये हमारे हाउस। चेरी, करियप्पा, थिमैया, चौधरी और मनीषा। ये हैं सारी ट्रॉफीज, ये सारे हेड गर्ल, हेड बॉय और प्रीफेक्ट्स, और जिन्होंने एक्सेल किया है उनके नाम। और ये रहा हमारा स्कूल। सो अभी हम लोग वाइस प्रिंसिपल मैम से मिलकर आ रहे हैं, एंड इट वाज
इसलिए नॉस्टैल्जिक था, इसने पढ़ाई करी मैम से, मैं नहीं पढ़ी दरगन मैम से. सो पटियाला वालों दरगन मैम जिन्होंने आर्मी स्कूल से पढ़ा तो उनसे हम मिले. एंड आई रिमेम्बर दिस यार, ये जब हमारा कोई फंक्शन होता था रेसेस और वो जो वो एक्टिविटीज नहीं होती थी, एनुअल मीट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, तो एनुअल स्पोर्ट्स मीट में सी दिस इज दी यस सो दिस इज दी प्ले ग्राउंड, वो वहां बैठते थे हम लोग. और आई स्टिल रिमेम्बर यहाँ पे वाली बेंचेस, हाँ ये बाद में लगे, बाद में लगे. हाँ और हम नीचे बैठते थे, आई रिमेम्बर. बहुत अच्छा लग रहा है यार. ओ माय गॉड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब सी यहाँ हम लोग नीचे बैठते थे. ओ माय गॉड कल पे यहाँ पे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने पढ़ा था. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर बट स्टिल 12th ना. And this is my 10th class. ये मेरा मेरा टाइम पे नहीं था यार. अभी यही अभी लगा है. देख लो आप स्कूल ने कितनी फैसिलिटी दे दी है, देखते हुए चलो अपने आप. This is my 10th class. सारी इसकी क्लासेस दिख. एक सेकंड सीज ये बिल्कुल अमन मेरी क्लास है. ये 10th है. Oh shit. Oh god. एक सेकंड. Let me very breathe. Okay. ये 10th है ना चेरी, पता मुझे वो है मेरी क्लास है ना. ओके सो दिस इज 10th क्लास. मैं 10th तक पढ़ी हूँ. बढ़िया. सो दिस इज 10th क्लास. हम चेरी के यहाँ पे आते थे. ये गुरप्रीत की क्लास है. गुरु और ओके सो दिस इज गुरप्रीत क्लास. हम यहाँ पे अंदर जाते थे और ये ओ माय गॉड और ये बगल में और दिस इज माय क्लास गाइस. इधर इधर कौन कौन पढ़ा है? आलोक आ जाओ. जिस आलोक से भी आप मिले थे वीडियो में. सो ये था आलोक, मेरा क्लासमेट था. सोनल मेरी क्लासमेट थी और मैं, हम तीन यहाँ पढ़े. गुरविंदर क्लासमेट था मेरा. विक्रम, सिमरन ये लोग मेरे क्लासमेट थे. तो ये मेरी 10th क्लास है. ओह गॉड सी दिस इज माय क्लास. और पता है ये हमारा ये हॉल होता था ना, और ये सामने ये 12th क्लास है ना चेरी, कौन सी? और ये 12th क्लास हम नहीं करते थे स्कूल में, आपको पता ही है. ये गेट देख रहे हो, ये डोर और ये डोर. तो हम लोग ना जो भी हमारे सीनियर क्रश होते थे, जो बड़े अच्छे अच्छे लगते थे हमें भैया लोग, तो हम कोने में बैठ गए ना. सिर्फ इसको मुझे नहीं. तो हम लोग ना झांक झांक के ऐसे बाहर देखते थे, बड़े अच्छे लगते थे. और ये रही मेरी, और ये प्रवीण, ये प्रवीण की क्लास. और ये प्रवीण की क्लास. ओह गॉड. और ये वॉशरूम जस्ट बगल में, सी मुझे याद है चेरी, ये वॉशरूम. ओके एंड दिस इज द असेंबली हॉल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओह गॉड. टन टन. एंड ये रहा हमारा असेंबली हॉल. ओह गॉड. ये देख रहे हो बिल्कुल सर्कल, ये हमारा स्कूल पूरा सर्कल में था ऐसे, ठीक है. सो ये हमारा असेंबली हॉल था. इधर इतनी याद है ना मेरी, वो सामने स्टेज देख रहे हो आप, वहाँ खड़े होकर मैंने गाने गाए हैं. मैं बेसिकली सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेती थी बचपन में, तो वहाँ मैंने. और इफ़ आई रिमेंबर करी, यही एरिया था जहाँ हम प्रेयर करते थे ना. एग्जैक्टली यही था. यहाँ पे सारी ऐसे लाइंस में खड़े होते थे लोग. ये मेरी क्लास थी 10C, ठीक है. ये 10C था और वो सामने था टीचर्स का ब्लॉक. तो हम प्रेयर के बाद भूख लग जाती थी, हम जाते थे यहाँ बैठ के खाना खाते थे. और यहीं खा के एक बच्चा यहाँ खड़ा रहता था और यहाँ से देखता था क्लास टीचर मैम को. फिर हम क्लास टीचर मैम की ना मूवमेंट नोट करते थे, ऐसे 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 करके आ रही. जब वहाँ जाती मैम आ गई भागा. ओह गॉड आई एम फीलिंग. ओह माय गॉड. अभी ऑटम ब्रेक चल रहा है पता है, वरना मैं अंदर जाती हूँ. मैं बैठती जहाँ मैं बैठती थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है. तो अभी और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, यहाँ पे एक विंडो टूटी हुई है तो मैं अंदर का शॉट लूँगी अभी. और मैं सारी अभी तो देख नहीं पाऊँगी, घर जाके मैं प्रॉपर ऐसे बैठ के निहारूँगी. आलोक को यहीं बैठ के मैं चिढ़ाती थी. आलोक हमेशा स्टूडेंट्स था, यहाँ बैठता था फर्स्ट में और यहाँ पे. और वो ये पीछे पीछे ये जो मिडिल रो है
जहाँ पे मैं, सोनल, विक्रम हम लोग बैठते थे. ओ माय गॉड, वो वहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड थर्ड बेंच, सोनल और मैं वहाँ बैठते थे. यस, हम लोग यहाँ पर, हम क्या कहते थे, कलीना थर्ड पीरियड में मिलना इसी जगह. हाँ, हम ना हम करते थे, बताए, हम लोग टाइम डिसाइड करते थे कि थर्ड पीरियड में स्टार्ट या मिडल या उस इधर मिलना है करके. यार ओ, APS ऑडिटोरियम, वो हमारा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे कुछ भी फंक्शन होता था वो होता था. दिस वॉज माई क्लास, कि इसमें मैं और सोनल बैठते थे, ठीक है, कपूर में वहाँ पढ़ाती थी और हम यहाँ सोते थे, ठीक है. सही में यहाँ सोते थे बैठ के, ठीक है, और मैं ना चेहरी इस साइड बैठती थी. कपूर मैम सुन लेंगे ना. सुनना मैं ना इस साइड बैठती थी, सोनल को बोलती उस साइड बैठ, और फिर सोनल के ना मुंह के पीछे ढक छुप के सोती थी. पटियाला वालों, विक्रम, एवरीवन, गुरविंदर, सोनल, आलोक, चेरी, देखो भाई मेरे ब्लॉग के थ्रू अपनी क्लासेस. ये गुरु तेरी क्लास, यहीं बैठती थी ना तू, और इस साइड होते थे प्राइमरी विंग. यहाँ तो हम नहीं पढ़े, हम सीधे बड़ी क्लासेस में आए थे, और ये रहा हमारा सेकंड विंग. तो अभी हम लोग चलेंगे वापस घर को. सो गाइज, ये था मेरा स्कूल और ये था मेरा स्कूल विजिट, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्कूल आके. और ये हमारे भैया जी, बहुत स्वीट हैं ये, इन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दी और प्यार से हमारा नाम एंट्री कर दी और हमें कोई दिक्कत नहीं आने दी. हाय पीपल, तुम मुझे ठीक करते रहे. सो फाइनली हम लोग आज आए हैं बारबेक्यू नेशन. और आज ये पार्टी आपकी तरफ से है फिर? नहीं, तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा हूँ. सो फाइनली हमारा प्लेटर सज गया है, प्रॉन्स, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. हमारी प्लेट से आपको पता लग रहा है कि हमने कैसे कहा, और ये सारे नैपकिन इसी में यूज किए. कैसा था अमन, खाना कैसा था? कैसा था चेरी? अच्छा था. अमन इज स्ट्रगलिंग विद द आइसक्रीम. अमन आता है, आपको निकाल के डालना. ओ माय गॉड, नम नम. आई मीन हेवन गाइस. काके हैं छोटे छोटे, खा लेंगे ऐसे. हम लोग काके हैं छोटे छोटे. तो फाइनली अमन अब जा रहा है और हम अभी थोड़ा और भोजन करेंगे. बाय अमन, बाकी अमन कल मिलेंगे. ये है डेजर्ट सेक्शन, पेस्ट्री. दिस इज चिकन दम बिरयानी, दिस इज मटन रोगन जोश, और हांडी दम की मुर्गी. ये है फिश एंड एग, ठीक है. ये है आपके छोले, कोफ्ता करी. ये है आपका पनीर बटर मसाला एंड मशरूम. एंड दिस इज मंचूरियन एंड नूडल्स. और ये है फाइनली वेज पुलाव. या हम लोगों ने खा लिया, हमारे खड़े होने की हालत में मेरी स्कूटी चलाई जाएगी थे. एंड ऑल्सो वी गॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री केक. बाकी यार आज गले तक खा रखा है मैंने, लिटरली यहाँ तक बहुत खाया. एक तो बुफे में ना खाया जैसा भी नहीं लगता और खाया भी जाता है. तो कैसा रहा चेरी, हाउ इज द डे विद कल्पना? मस्ट, मेमोरेबल, ऑलवेज एज यूजुअल. अब स्कूटी कहाँ है हमारी? अब हम चल रहे हैं घर को, लेट्स गो. हाय गाइस, सो ये था मेरा आज का दिन, और आज का दिन मेरा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पेशल डे था. बहुत 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 ज़्यादा अच्छा दिन था, और वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ आई वुड से. मैं 11 साल बाद आज स्कूल गई थी, 11 साल बाद मैंने आज स्कूल विजिट किया. मैंने क्लासरूम देखी, मैं कहाँ बैठती थी, कहाँ पढ़ती थी, वो कॉरिडोर जहाँ हम खेलते थे क्लासरूम के बाद, और बहुत नॉस्टैल्जिक था मेरे लिए. मतलब मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा. तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये व्लॉग, कॉमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा क्या पार्ट अच्छा लगा. और ऑल्सो पटियाला वालों, आर्मी स्कूल वालों स्पेशली, अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने सेम स्कूल से या सेम बैच, सेम क्लासेस से पढ़ा है. वो भी कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं तो चेयर में बैठे होंगे, और उन तक ये व्लॉग पहुंचा, उनको भी आई एम श्योर ये स्कूल क्लासरूम्स सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगेगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए. चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. बाकी अपना ध्यान रखिए, कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय.